तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। तो यार आपका स्वागत है हमारे ड्रैगन शूटर यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले कि आपके फ़ोन के रैम एंड डिस्प्ले साइज के हिसाब से आपके लिए कौन सा गन स्विच बॉक्स बटन साइज बेहतर रहेगा। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ जरूर से बने रहो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करने वाले हैं 1 एंड 2 GB रैम वाले फ़ोन की। तो अगर आपके पास 1 एंड 2 GB रैम वाला फ़ोन है और अगर आपका डिस्प्ले साइज 5.0 से 5.5 इंच के अंदर आता है तो आप अपना जो है गन स्विच बॉक्स बटन साइज को 60 से 70 के अंदर ही रखो, क्योंकि हमारा जो है 1 एंड 2 GB रैम वाला फ़ोन का डिस्प्ले साइज बहुत ही छोटा होता है। इसलिए आप अगर गन स्विच बॉक्स बटन साइज बड़ा रखोगे तो बहुत सारा स्पेस वो ले लेगा, तो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। तो आप जो है छोटा ही रखो, क्योंकि आपका जो है मोबाइल का स्क्रीन का साइज यानी कि डिस्प्ले साइज बहुत ही छोटा होता है, तो आपको भी बटन का भी साइज छोटा रखना पड़ेगा। तो आप बात कर लेते हैं 3 एंड 4 GB रैम का वाले फ़ोन की। तो अगर आपके पास 3 से 4 GB रैम वाला फ़ोन है और आपका जो है डिस्प्ले साइज 5.5 इंच से 5.9 इंच के अंदर आता है तो आप अपना गन स्विच बॉक्स बटन साइज 70 to 80 के अंदर ही रखो, यानी कि आपको 70 से 80 के अंदर रखना है, क्योंकि जो 4 GB रैम वाला फ़ोन होता है उसका डिस्प्ले साइज बहुत ही बड़ा होता है। तो आप 80 तक रख सकते हो, और अगर आपका 3 GB रैम है तो बहुत ही छोटा होता है डिस्प्ले साइज, तो आप 70 रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे 6 GB एंड 8 GB रैम वाले फ़ोन की। तो अगर आपके पास 6 GB एंड 8 GB रैम वाला फ़ोन है और आपका डिस्प्ले साइज 5.9 इंच के अंदर या फिर 6.5 के अंदर आता है तो आप अपना गन स्विच बॉक्स बटन साइज 80 to 90 रखो, क्योंकि 8 GB रैम वाला फ़ोन का जो है स्क्रीन बहुत ही बड़ा होता है, उसका डिस्प्ले बहुत ही बड़ा होता है, तो आपको बॉक्स बटन साइज बहुत ही बड़ा रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से क्लिक कर पाओगे और आपका जो है स्क्रीन पे टच नहीं होगा, आप एकदम बिल्कुल बटन पे क्लिक कर पाओगे और आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और अगर आपका 6 GB रैम है तो 80 रख सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 80 आप अगर यूज़ करोगे तो आप बहुत ही फास्टली स्विच कर पाओगे अपने बटन को। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि हम ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप भी देख पाओगे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सो यार बाय।